हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डू द रोड नॉट टेकन फॉर क्लास नाइन स्टूडेंट्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर सो द पोएम इज रिटन बाय एन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कविता लिखी है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने

फॉर्म तो आपको समरी से ओवरव्यू मिल जाएगा ओवरऑल कि इस पोइट्री uh, में क्या कहना चाहता है पोइट राइट द द रोड नॉट टेकन इज अ वेल नोन पोम अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन आवर लाइफ सो ये एक बहुत ही फेमस पोम है जो आपके सिलेबस में है राइट right? तो इस इस कविता में क्या बताया गया है इसमें बेसिकली बताया गया है जो चॉइसेस आप लाइफ में करते हो उसके बारे में ठीक है द चॉइसेस वी मेक Shape us. जो चॉइस हम लाइफ में करते हैं वही हमारा फ्यूचर बनाती है ओके सो इन इन द पोम द रोड सिंबलाइज आर लाइफ रोड जो है वो किसको सिम्बुल uh, कर रहा है वो हमारे लाइफ को सिम्बुलाइज uh, कर रहा है ठीक है एंड द पाथ दैट वी डोंट चूज इज द रोड नॉट टेकन और जो रास्ता हमने चूज नहीं किया उसको वो उसका मतलब है द रोड इज नॉट टेकन सो द पोई डिस्क्राइब्स हिज लाइफ एक्सपीरियंसिस एंड सर्ज दैट लॉन्ग अगो तो वो अपनी कव, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहा है बता रहे हैं उसके बारे में और कह रहे हैं कि लॉन्ग अगो बहुत टाइम पहले क्या हुआ था ही हैड चॉइसिस टू चॉइसिस टू मेक तो उसके पास दो चॉइसिस थी करने के लिए दो चॉइस में से उसे एक चूज़ करना था

तो जो चॉइसेस हम करते हैं लाइफ में वही हमारे फ्यूचर पे उसका प्रभाव पड़ता है असर पड़ता है उसका इफ वी मेक द रॉन्ग चॉइस अगर हम रॉन्ग चॉइस करते हैं देन वी कान गो बैक एंड करेक्टेड तो हम उसे करेक्ट नहीं कर सकते वापस जाकर ही कर सकते हैं उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा so, तो हमें बहुत ही बुद्धिमानी से डिसन मेकिंग करनी होगी चॉइस करनी होगी अपनी लाइफ में जो भी हम हमें चॉइस होती है हमारे पास राइट right? बट क्योंकि वो आफ्टरऑल वो हमारे फ्यूचर को शेप कर रहा है उसी पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है राइट right? So, आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ डाउन द रोड तो क्या होता है पोम में? रोड वो रोड जा, पे जा रहा होता है डायवर्जन वेयर टू रोड डाइवर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन डाइवर्जन का मतलब है डिवाइड हो रही है दो रोड जो हैं, वो एक रोड से दो रोड बन रही हैं वहां पे द रोड द पोइट फील्स रोड्स तो वो देख, वो देख बहुत ही उसको बुरा लग रहा है कि वो दो रोड पे एक साथ नहीं जा सकता है as a traveler, कोई भी दो रोड पे कैसे चल सकता है एक ही रोड पे चल सकते हैं right? so तो उसे चॉइस करनी है कि उसे एक सिंगल पाथ चूज करना है एट द जंक्शन द पोएट फॉर अ लॉन्ग टाइम और वो कुछ टाइम के लिए वहां पे खड़ा होता है एंड ट्राई टू लुक एट द रोड्स खड़ा होकरउट बोथपाथ तो वो दोनों रोड को देखना चाहता था और दोनों रोड के जो रास्ते हैं उनके बारे में जानना चाहता है बट ही कुट सी एनीथिंग बियॉन्ड द डाइवर्जन एज द रोड्स वर कर्ड एंड कवर्ड विद्रीज तो वो देखना चाहता है कि उसके डाइवर्जन के आगे जो डिवाइड हो रही है रोड उसके आगे का रास्ता भी वो देखना चाहता है लेकिन वो देख नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर सारा रास्ता क्या Cover हो रखा है कवर हो रखा है ट्रीज है उसके आगे तो वो कुछ देख नहीं पा रहा है इन द स्टेंसा द येलो वुड रेफर्स टू द फॉरेस्ट तो येलो वुड किसको बोला गया है स्टेंजा में इसको बोला गया है फॉरेस्ट को ओके सो वुड का मतलब है जब ऑटम का सीजन होता है और येलो uh, लीव्स जो होती है वो गिरने लग जाती हैं, राइट सो द द फॉरेस्ट विद लीव्स दीव शेड ऑन द रोड तो वो शेड होती हैं, एंड है वो येलो हो जाती है, है, हो जाती है और उसके बाद वो शेड हो जाती है दिस इंडिकेट्स दैट इट विल इट वॉज ऑटम सीजन तो ये बताता है हमें कि ये ऑटम सीजन है दो दिस कन्वे दैट

बट वी हैव टू चूज ओनली वन लेकिन हमें एक ही चूज करना होता है एट दैट टाइम वी सी द प्रोस एंड कॉन्स तो हम देखते हैं इसमें हमारा क्या फायदा है और क्या नुकसान है ऑफ द सिचुएशन एंड टेक द टाइम टू डिसाइड विच पाथ टू टेक और हम समय लगाते हैं ये डिसाइड करने में कि कौन सा हमें रास्ता चूज करना है सिमिलरली द पोइट इज ऑल्सो टेकिंग टाइम बिफोर मेकिंग एन ए डिसन तो पोइट भी यहाँ पर डिसीजन करने के लिए टाइम लगा रहा है वहां पर खड़े होकर डिसाइड कर रहा है कि वो कहाँ चले आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कुछ समय बाद ठीक है द पोइट डिसाइड डिसाइडेड टू टेक द अदर रोड तो वो अदर दूसरी रोड पे चलने का डिसाइड करता है He thought that both the roads were equally good. तो वो सोचता है कि दोनों ही रोड तो बिल्कुल समान अच्छे हैं। He started walking on the road वो रोड पे स्टार्ट कर देता है वॉक करना विच हैज ग्रास ऑन इट जिस पे ग्रास है ही फील्स दैट इट वाज बेटर रोड फॉर हिम तो वो सोचता है कि ये रोड उसके लिए बेटर है एक अच्छा ऑप्शन है द ग्रासी रोड मींस दैट द रोड वाज नॉट यूज्ड एंड वांटेड वियर मींस दैट ओनली फ्यू अ फ्यू पीपल है इसका मतलब यह है कि थोड़े से ही लोग उस पर चले हैं और ज्यादा लोग नहीं चले उसपे आफ्टर वन द रोड दील्स दैट बोथ दोस्ट द सेम लेकिन कुछ टाइम कुछ आगे चलने पर उसे ऐसा फील होता है कि दोनों ही रोड एक ही समान है दोनों ही इक्वली ठीक है दोनों ही सेम है ओके सो देर वॉज hardly any difference between them to dono mein hardly hi koi difference tha do this the poet conveys that in our life whatever decision we take or choices we make each choice has some advantages and some disadvantages तो यहाँ पर जो है वो बोलता है कि दोनों में hardly ही कोई difference था और वो ये message देना चाहता है कि जो choices हमने life में कर, करते हैं जो भी चॉइसेस में कुछ अच्छी बात अच्छी बात भी होती है और कुछ उसका नुकसान भी होता है प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं प्रॉब्लम्स हर जगह होती है सो वी मस्ट बी रेडी टू फेस देम तो हमें जो आ रही हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही है उसको रेडी होना चाहिए फेस करने के लिए हमें उनका सामना करना चाहिए द पोएट सेज

एक बार चल लेता हूँ देखूंगा तो शायद मैं फिर दोबारा से जब आऊंगा तो मैं अगले दूसरे रास्ते पे चल के देखूंगा हवे व ही नोज वन वे लीड्स टू एनदर वे तो उसको लेकिन ये पता है कि जब मैं एक रास्ते पे चूज कर रहा हूँ तो उसके आगे में दूसरा रास्ता होगा

तो जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम उसको चॉइस कर लेते हैं तो हमारे पास सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमें उन्हें सॉल्व करना होता है हमें उसे फेस करना होता है द पोइट सेज दैट इन द फ्यूचर ही विल टेक डीप ब्रेथ एंड से दैट वंस अपॉन अ टाइम ही रीच अ पॉइंट इन लाइफ वेयर ही हैड टू मेक वन चॉइस तो वो फ्यूचर की बात करता है कि इन फ्यूचर क्या होगा वो सोचेगा कि किसी टाइम पॉइंट पर वो उस समय था और उसने एक डिसीजन लिया था एक चॉइस की थी देर वर टू ऑप्शंस उसके लिए दो ऑप्शन थे एंड ही हैड टू ऑप्ट फॉर वन और उसको एक चूज करना था एट द सेम टाइम ही डिसाइडेड टू टेक दैट रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय पीपल तो उसने ऐसा रास्ता चूज किया था जिसमें कम लोग ट्रेवल किया जिन कम यात्रियों ने वहाँ से गए हैं इट मीन्स दैट ही टुक दैट डिसीजन विच रेयर पीपल टेक इसका मतलब कि जो बहुत ही रेयरली कोई चूज कर रहा है वही वाला डिसीजन उसने लिया है एंड दैट डिसीजन हैज चेंज हिज एंटायर लाइफ और उसी डिसीजन से उसने उसका पूरा लाइफ चेंज हुआ है पावरफुल तो मैसेज आपके लिए दिया है कि लाइफ में जो भी आपको चूज करना है उसके लिए क्या करना है बहुत ही बुद्धिमानी से उसको चूज करना है बिकॉज द डिसीजन दे टेक विल है रेस्ट ऑफ द लाइफ तो जो लाइफ जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है उस पर वो उसका असर डाल रही है इसलिए हमें डिसीजन को बहुत ही सावधानी से लेना होगा राइट जैसे कि आप बच्चों देख सकते हो कि आप जो भी डिसीजन लेते हो जैसे आपने कॉमर्स लिया है तो अगर आप देखोगे कि आपके फ्रेंड्स अगर आर्ट्स में जा रहे हैं साइंस में जा रहे हैं तो आप उनको कॉपी करने की कोशिश करते हो उसी रास्ते पे जाने की कोशिश करते हो लेकिन यहाँ पर पोएट ने क्या किया यहाँ पर पोएट कह रहा है कि वो रास्ता उसने चूज किया जहाँ पे कोई नहीं गया या फिर कम लोगों ने ट्रेवल किया तो उसने एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने की सोची है राइट तो हमें भी ऐसे ही वाइसली डिसीजन लेना चाहिए अपने चॉइसिस को लेके राइट तो आई होप आपको इस समरी uh, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो है